अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सॉरी फॉर द लेट। और मैं स्टार्ट करांगा। असी टर्नेट इन अकाउंट से लॉग इन किया तो साढ़े को मेन पेज आ गया। इतने असी जाना है ऐड क्लास, ऑल क्लासेस, एक्सपायर्ड क्लासेस, एक्टिव क्लासेस। एज ए टीचर असी मतलब तुसी अपनी गल कर रहे हैं, तुसी जदों एक नवी क्लास क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट पूरे सेमेस्टर वास्ते क्लास ऐड हो जाती है। लेट से मैं क्लास ऐड करना वा नवी, जिदे विच मैं अपने बच्चों की असाइनमेंट सबमिट करनी है और उसकी ग्रेडिंग करनी है। क्लास टाइप स्टैंडर्ड ठीक है, क्लास नाम कुछ भी रख लो, थीसिस 1 थीसिस 2 रख लो, एनरोलमेंट की एक पासवर्ड की है जी तुम रख लो। अगर तुसी अपनी क्लास नेम स्टूडेंट्स नू देनी है तो फिर तुसी की जड़ी आएगी वो तुसी शेयर करनी है अपने स्टूडेंट्स के नाल। सब्जेक्ट एरिया कोई भी रख लो या अपनी मर्जी का जड़ा भी है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट लेवल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, व्हाट्स एवर द केसेस। नेक्स्ट जाके अगर एज ए टीचर तुसी अपनी क्लास क्रिएट कर रहे हो तो जो थोड़ा सेमेस्टर एंड होना वे वो डेट तुसी सिलेक्ट कर लो। लेकिन अगर तुसी फिलहाल कोई भी थीसिस या पेपर सर्च करना हो तो फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास एंड डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। सबमिट कर देता, नेक्स्ट पेज आ गया। एनरोलमेंट की आ गई है 00, उसी खुद सिलेक्ट की है। क्लास आईडी बाय डिफॉल्ट टर्नेट इन ने खुद जनरेट करके दे देती है। इन केस अगर मैं अपने स्टूडेंट्स नाल शेयर करनी है तो फिर एनरोलमेंट की, क्लास आईडी, ये दोनों चीजा शेयर करांगा। वो क्लियर हो गया। अच्छा जी, असी जिहड़ी क्लास क्रिएट कीती है ए थीसिस 2 दे नाम तो क्लास क्रिएट कीती है, वो आ गई है एक्टिव क्लास है, एनु क्लिक कीती, नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। थीसिस 2 ए दे विच लेट से कि मैं अपनी एक असाइनमेंट सर्च करनी है, ऐड क्लास, ऐड असाइनमेंट, थोड़ा टाइम लग रहा है। एक नेट की स्पीड स्लो है, दूसरा टर्नेटिन भी मे बी स्लो हो सकता है। अच्छा जी, असाइनमेंट टाइटल कुछ भी दे सकते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च टॉपिक, पॉइंट वैल्यू जरूरी नहीं है, ऑप्शनल वैल्यू है, ऑप्शनल सेटिंग्स जाना है। अच्छा जी, जनरेट सिमिलैरिटी रिपोर्ट फॉर सबमिशन, यस। जनरेट सिमिलैरिटी रिपोर्ट फॉर स्टूडेंट सबमिशन इमीजिएटली, फर्स्ट रिपोर्ट इज फाइनल। एक्सक्लूड बिबलियोग्राफिक मटीरियल, एनू यस करना है। अगर असी एनू नो करांगे तो साढ़े जितने भी रेफरेंसिज ने वो चूके बार बार रिपीट होंगे ने मुख्तलिफ पेपर्स विच, वो सारे के सारे दोबारा काउंट कर लेंदा है और उसकी वजह तो साढ़ा प्लैजरिज्म की वैल्यू हाई हो जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जी है सबमिट पेपर टू स्टैंडर्ड पेपर रिपोजिटरी, एनू असी नो करना है। एज डिफरेंट ऑप्शन ने, अगर असी इन्हां तिना विचों कोई भी करांगे साडा पेपर टर्नेट इन द डाटाबेस ते चला जाएगा और वह पेपर पब्लिश हो जाएगा। एनू हर सूरत विच नो करना है। सिर्फ ए वाहिद ऑप्शन ऐसा वे जेडे साडे सिस्टम नू टर्नेट इन द डाटाबेस ते साडे असाइनमेंट स्टोर नहीं करता, वरना स्टोर हो जाता है। बाकी वैल्यूज यूजलैस ने साडे वास्ते, एनू सबमिट कर दियो। ठीक हो गया जी, ऐसा साढ़े को एक असाइनमेंट ऐड हो गई है। एनु असी एक्शन से जाके व्यू करना है। साढ़े को आ गई इथे लेफ्ट साइड ते सबमिट फाइल, सबमिट फाइल वाले ऑप्शन नु क्लिक किया। नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट, फर्स्ट नेम 1 2 3, लास्ट नेम 1 2 3 4, सबमिशन टाइटल प्रोजेक्ट, चूज फ्रॉम दिस कंप्यूटर, फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, फ्रॉम गूगल ड्राइव, तुसी जिथों अपनी पेपर या फाइल लेनी है। पीडीएफ फाइल मनु मेरे सर ने कहा सी वो यूज करियो, क्योंकि वो देविच एक तो सेटिंग्स भी रिटेन रहनिया ने, दूसरा पिक्चर्स या जेडी भी जिस तरह की तुसी खुद जानवली असाइनमेंट बनाई हुई है वो ऐसे तरह रहती है। हाँ।
मैं एक असाइनमेंट डेस्कटॉप तो पिक की है, सिलेक्ट की है, मेरे को उन्होंने क्लियर कर दिया रमीज पीडीएफ अपलोड कर देना। अच्छा जी फाइल अपलोड हो गई है, उन्होंने वो प्रीव्यू दे दिता करैक्टर काउंट वर्ड काउंट तो फर्स्ट पेज का भी प्रीव्यू दे दिता, असी ए आलमोस्ट सारे पेज चेक कर सकते हैं। फाइल कन्फर्म हो गई है कि आई फाइल अपलोड की है, इन कन्फर्म कर दो। कन्फर्म करने तू बाद फाइल सबमिट हो गई है, किस तरह पता चलिया उपर लिखे कंग्रेचुलेशन योर सबमिशन इज कंप्लीट, ए डिजिटल रिपोर्ट उन्हें जनरेट करके दे देती है। अच्छा जी गो टू असाइनमेंट इनबॉक्स, उन्होंने चाहिए एदी सिमिलैरिटी इंडेक्स, इस जगह पे आ जाएगा सिमिलैरिटी इंडेक्स। अच्छा जी थोड़ा टाइम लगेगा रिपोर्ट जनरेट करन, रिपोर्ट जो ही जनरेट हो जाएगी इतने कोई ना कोई वैल्यू शो हो जाएगी। कोई नॉर्मली 10 मिनट तो घट ही टाइम लगता है, 3-4 मिनट नॉर्मली लगते हैं, तो वीडियो पॉज करने तो बाद मैं दोबारा इन करना। अच्छा जी ऑलमोस्ट 3-4 मिनट बाद सिमिलैरिटी रिपोर्ट आ गई है, हूँ मैं सिमिलैरिटी रिपोर्ट व्यू करनी है कि मेरा डॉक्यूमेंट कितों कितों प्लैजराइज्ड है। लो जी एक नवी विंडो ओपन हो गई है जेडी मुख्तलिफ जगह तो उन्हें हाईलाइट कर दिता टैक्सट जेडी जेडी जगह कॉपीड है उन्हें मार कर दिती है। ठीक हो गया सही हो गया जी। अच्छा जी 29% मेरी प्लैजरिज्म है, इन क्लिक करांगा जेड़े जेड़े सोर्स तू वैल्यू पिक की हुई है वो शो कर देगा। ठीक हो गया जी मैं क्लोज कर दियो। मैं ए वाली मार्कड रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, सेटिंग वाले बटन दे क्लिक करना है, डाउनलोड दे ऑप्शन दे क्लिक करना है, करंट व्यू करांगा तो बेसिकली मेरे को ए फाइल कलर्ड फाइल जी एज इट इज आ जाएगी और मेरी प्लैजरिज्म रिमूव करने मेरी हेल्प आउट करेगी। डिजिटल रसीद जी सबमिशन की रसीद देगी, एक आई डी दे देगी, वो मैं जरूरत नहीं होती। तो जेड़ा तुम्हें वर्जन चाहिए ओरिजिनल ओरिजिनली सबमिटेड फाइल अगर ऐसे से क्लिक करोगे तो जी फाइल तुम एक्चुअली सबमिट की है जिद पोर्शन मार्क नहीं होए हुए मुख्तलिफ पोर्शन है जिस तरह नीचे हाईलाइटेड एरिया वो ओरिजिनल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सो जी चाहिए तुम वे क्लिक करोगे करंट व्यू किया प्रिपेयरिंग डाउनलोड आ रहा उपर टॉप लैवल से और थोड़ी देर बाद फाइल डाउनलोड हो जाएगी। बस इतना सारा ही काम है। शुक्रिया।